हेलो स्टूडेंट, दिस इज राजेश सर वंस अगेन हियर। अब हम लोग 11वीं स्टैंडर्ड यानी कि 11th स्टैंडर्ड को पढ़ने वाले हैं। 11th स्टैंडर्ड में जो मैंने लास्ट लेक्चर लिया था दैट वाज अबाउट व्हाट इज अकाउंटिंग। तो उसमें मैंने आपको बताया था हिंट के तौर पे कि एक अकाउंट होता है, अकाउंटिंग होता है, फिर एक अकाउंटेंसी होता है। व्हाट इट सर, अब हम लोग आज सीखने वाले हैं अकाउंटिंग। तो मैंने कल के लास्ट लेक्चर की जो वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि अकाउंटिंग होती क्या है, अब अकाउंटिंग करते कैसे, उसके फिनोमेनन्स क्या होते हैं, उनके एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, वो हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। आज का वीडियो हमारा अकाउंटिंग के सिस्टम के ऊपर, उसमें भी डबल एंट्री सिस्टम से रिलेटेड है। चलो अब हम लोग बोर्ड पे ड्राफ्ट कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो हिसाब किताब को हम अकाउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिसाब किताब को हम अकाउंटिंग बोलते हैं, राइट है सर। हिसाब किताब किस बात का? खरीदना बेचना, खर्चा किया, खर्चा इनकम हुआ, इन सब को रिकॉर्ड करके रखना और इनका फिर बाद में एनालिसिस करना कि फायदे में है कि नुकसान में। यानी कि बिजनेस के अंदर में जो होने वाले ट्रांजेक्शन है उनकी रिकॉर्डिंग्स करके, उनके हिसाब रख के, उनके मतलब इंटरप्रिटेशन करके, उनकी एनालिसिस करके, उनके रिजल्ट निकालना, राइट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्टली अकाउंट। जैसे आपकी कैश आती है जाती है तो कैश का हिसाब रखो। 365 दिन यानी एक साल के बाद हम चेक करेंगे कितनी कैश हमारे पास अवेलेबल है। बैंक से हम बहुत बार पैसे डालते निकालते हैं तो बैंक का हिसाब रखो, यानी कि बैंक का अकाउंट बना लो तो बैंक का बैलेंस पता चल जाएगा साल के एंड में कितना है। वैसी असेट्स का, वैसी लाइबिलिटी का, वैसे ही व्यापार यानी बिजनेस के खर्चों का हिसाब रख लो, इनकम का हिसाब रख लो। ओके, दैट इज व्हाट वी से द अकाउंटिंग। अब स्टूडेंट, ये अकाउंटिंग होती है ना, तो अकाउंटिंग किस चीज की होती है पहले वो समझाता हूं मैं। जैसे कि ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, हमारी अकाउंटिंग जो होती है वो ट्रांजेक्शन और इवेंट को लेकर होती है, राइट सर। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट किसकी बात करते हैं? मैंने अभी आपको बताया कि एक व्यापार है यानी बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं और बहुत सारे इवेंट्स भी होते हैं। तो अभी आप जानना चाहोगे कि ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं और इवेंट्स किसको बोलते हैं। चलो इसके कुछ एक्सपोजर्स मैं आपको देता हूं। ओके, ध्यान देते हैं थोड़ा सा, आराम से, कोई गड़बड़ नहीं है हमारे पास, बहुत समय हमारे पास। देखिए स्टूडेंट, अगर मैं ट्रांजेक्शन की बात करता हूं और इवेंट की बात करता हूं तो क्या फर्क पड़ता है, दोनों का डिफरेंस क्या है? अगर मैं ट्रांजेक्शन बोलता हूं तो इसका मतलब ये लेन देन को ट्रांजेक्शन बोलते हैं, ठीक है, ट्रांजेक्शन। अब ट्रांजेक्शन के अंदर में सिंपल में अगर बताऊंगा तो एक्सचेंज जो होता है चीजों का उसको हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। एक्सचेंज किस बात का होता है? बिजनेस में गुड्स एंड सर्विसेस का एक्सचेंज होता है। याद रखना, दुनिया का कोई भी बिजनेस एक्टिविटी बोलो या फिर कोई भी एक्टिविटी यानी ट्रांजेक्शन बोलो तो दो ही चीज को लेके होता है, गुड्स एंड सर्विस। आप पूरी दुनिया में मतलब अपनी जिंदगी को छान मारो कि आप दिन भर में क्या करते हो, तो दिन भर के अंदर में आप लोग गुड्स और सर्विसेज के एक्सचेंज को करते रहते हो। अगर आप बिजनेस में इन्वॉल्व हो, अगर आप घर में बैठे हो कार्टून चैनल देख रहे हो तो दैट इज नॉट गुड्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन उसको भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि आप टीवी देख रहे हो, यू आर टेकिंग सर्विस, यू आर टेकिंग सर्विस एंड यू आर पेइंग अ मंथली इंस्टॉलमेंट टू योर केबल नेटवर्क, यस और नो? तो इसका मतलब क्या हो रहा था, दिन भरे में आप लोग सिर्फ दो ही बातों के अंदर में ज्यादातर डील करते हो एज पर एज बिजनेस एक्टिविटीज कंसर्न, जिसमें आप आता है गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज। तो मैं आपकी तो बात नहीं कर रहा हूं, हम लोग बिजनेस की अकाउंटिंग सीख रहे हैं, क्योंकि अकाउंटिंग और हिसाब किताब सिर्फ व्यापार का करना है, क्योंकि हम व्यापार यानी बिजनेस में कैसे अकाउंटिंग होगी वो सीखने वाले। हमारा पूरा कॉमर्स जो हम सीख रहे हैं वो बिजनेस को लेकर सीख रहे हैं, यहां से लेके यानी कि 11th स्टैंडर्ड से लेके तो आप लोग MBA के फाइनल तक चले जाइए आप, तो आप जो भी अकाउंटिंग सीख रहे हो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के सीख रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाइए आप, CA बन जाइए आप, IIM कर लीजिए आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की अकाउंटिंग सीख रहे हैं, आप किसी पर्सनल अकाउंटिंग की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, पर्सनल अकाउंटिंग कर सकते हैं लेकिन वो नहीं सीख रहे, बिजनेस अकाउंटिंग सीख रहे। तो दोस्तों, बिजनेस के अंदर में फिर हम क्या किस चीज की अकाउंटिंग करेंगे? ट्रांजेक्शन एंड इवेंट की करेंगे। किसकी करेंगे? ट्रांजेक्शन एंड इवेंट। यहां पर इवेंट लिख देता हूं, यहां पर हम इवेंट लिख देते हैं। ओके, अब ये तो मैंने लिख दिया ट्रांजेक्शन किसको बोलेंगे, फिर भी इसको एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब एक्सचेंज दोस्तों कैसे होता है? कुछ एक्सचेंजेस होते हैं कैश बेसिस और कुछ एक्सचेंजेस होते हैं क्रेडिट बेसिस। अब कैश बेसिस वाला एक्सचेंज किसको बोलेंगे हम लोग, कि आपने गुड्स दे दिया यानी आप व्यापारी हो तो आपने अपनी गुड्स बेची, उसके बदले में आपने क्या ले ली? कैश। Let's say the example, you are a trader, right? You are dealing in what? Garments.
यानी आप कपड़ों में डील करते हो, तो आपने क्या किया, आपके कस्टमर्स को कपड़े बेच दिए और उससे क्या ले लिए, आपने पैसे ले लिए, तो उसका मतलब ये क्या हुआ, एक्सचेंज। कैश में हुआ, राइट है, मतलब कि एक्सचेंज नॉट ओनली इन द कैश बट नगद बोलते हैं हम इसको, तो गुड्स टू गुड्स भी एक्सचेंज होता है, और उससे आपने गुड्स ले ली और आपने उसको एक गुड्स दे दी, तो इसका मतलब गुड्स टू गुड्स एक्सचेंज हो गया, तो ये भी नगद ही है, इसको भी नगद ही बोलते हैं। नगद का हर बार मतलब नहीं होता कि आपने कैश देना है, नगद का मतलब होता है उसी वक्त वो ट्रांजेक्शन वही निपट गया है, उसके बाद कोई उधारी उधारी नहीं है और ना कोई फ्यूचर का हिसाब है, जस्ट प्रेजेंट में जो नगदी निपटाया जाता है उसको नगद बोलते हैं हमको। तो यहाँ पे आपने गुड्स को एक्सचेंज कर लिया ऑन कैश बेसिस। अब आते हैं क्रेडिट एक्सचेंज क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोगों ने मान लेते वही एग्जाम्पल है कि यहाँ पे आपने गुड्स को क्या कर दिया, सोल्ड कर दिया यानी कि बेच दिया, लेकिन सामने वाले से आपको कुछ मिला ही नहीं है, जैसे कि सामने वाला उधार लेके गया, वही आपकी कपड़े की दुकान, आपने सामने वाले को कपड़े बेचे और उसने क्या बोल दिया आपको कि आपको पैसे कब देगा, 2 महीने बाद, यानी कि गुड्स गई और पैसे कब आए, 2 महीने के बाद। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, ये उधार है, क्या है इसका मतलब, उधार है लेकिन ट्रांजेक्शन है, बोले ट्रांजेक्शन कैसे हुआ सर, एक्सचेंज तो हो रहा है ना, क्या एक्सचेंज हो रहा है, गुड्स आ कुछ नहीं है, गुड्स जा रही है लेकिन रिकॉर्ड तो करेंगे ना हम लोग, दिस इज व्हाट द वन वे ट्रांजेक्शन ऐसे, और आई वी कैन से द टू वे ट्रांजेक्शन, टू वे इज दिस कि कुछ गया और कुछ आया, द वन वे इज दिस कुछ गया सिर्फ, यस और नो, द वन वे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन का हर बार मतलब ये नहीं होता कि आपने कुछ दिया तो कुछ लेना ही है। चलो आई कैन गिव द अनदर बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इट, आप दुकान से 1000 रुपए निकाले सुबह सुबह और आप पता नहीं आज आपका मूड बहुत अच्छा होगा, आप 1000 रुपए लेके चले गए मंदिर में और मंदिर के दान पेटी में डाल लिए 1000 रुपए। तो दोस्तों मैं आपको एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ ना, अकाउंटिंग कैचेस होती तो अभी आपको समझ जाएगा, जनरल क्वेश्चन का आंसर दो कि ये जो 1000 रुपए आपकी दुकान से जा रहे हैं मंदिर में, गए तो दुकान से ही ना, तो हिसाब रखोगे या फिर नहीं रखोगे, बिजनेस से जा रहे रखना पड़ेगा, यस और नो, क्यों, क्योंकि कैश जा रही है, कहां से जा रही है, बिजनेस से जा रही, घर से जाती ना तो उसको मैं लिखता भी नहीं, घर से जाती तो हम उसको लिखते भी नहीं, लेकिन जा कहां से रही है, बिजनेस से जा रही है, इसलिए उसको लिखेंगे, बिजनेस में एंट्री करेंगे। तो आपने तो मंदिर में डोनेट कर दिया, क्या मिला आपको, बोलेंगे सर दुआ मिल गई, है दुआ मिल गई, गॉड की ब्लेसिंग्स मिल गई, है ना, ये बोलेंगे ना आप लोग। दोस्तों इसकी अकाउंटिंग नहीं होती हमारे बिजनेस के अंदर में, हमारे बिजनेस के अंदर में यस, इन सब चीजों की अकाउंटिंग नहीं होती, क्योंकि इसका कोई मटेरियलिटी नहीं है, इसका कोई फिजिबिलिटी नहीं है, उसका कोई एग्जिस्टेंस फिलहाल दिखता नहीं है, नोटिस नहीं होता, और कोई वो प्रॉपर्टी और असेट भी नहीं है, इस वजह से उसको नहीं लिखा जाता, तो उसको सिर्फ हम डोनेशन के नाम से शो करते हैं एज एन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द बिजनेस। तो दिस इज व्हाट मैं ये बताना चाह रहा था कि दिस वन इज अ वन वे ट्रांजेक्शन, किसी को सैलरी दिया तो ठीक है ना, उसकी सर्विस लेते हैं इसलिए उसको सैलरी देते हैं, लेकिन यहाँ डोनेशन तुमने दे दिया तो तुमने लिया क्या, मुझे वो बताइए आप, अब बोलेंगे सर प्रसाद लिया, नहीं लिया तो, किसी ने डोनेशन दिया तो, दिस इज व्हाट आई से, लाइक बहुत सारी चीजें हैं, जैसे अभी पीएम फंड, अगर पीएम केयर फंड, अगर पीएम केयर फंड में मैं सपोज पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ या दे रहा हूँ, गवर्नमेंट नॉट इन्वेस्टमेंट आई एम सॉरी, पीएम फंड में मैंने पैसे डाल दिया पीएम केयर फंड में, तो क्या मिला मुझे, लेकिन गए तो बिजनेस है ना, दिस इज व्हाट अ वन वे ट्रांजेक्शन आई से। तो दोस्तों हमेशा थोड़ी सी बारीकियां सीखिए बिजनेस के अंदर में क्या होता है, शॉर्ट एंड सिंपल। अगर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे ना तो मैं आपको बताता हूं एकदम सिंपल मोड में, व्यापार से कुछ भी गया या व्यापार में कुछ भी आया तो उसको लिखना है, वो रिकॉर्ड करना है, बस उसी को हम ट्रांजेक्शन का नाम देते हैं, किसका नाम देते हैं, ट्रांजेक्शन का नाम देते हैं। फिर से एक बार रिपीट करूं, बिजनेस से कुछ भी गया या बिजनेस में कुछ भी आया, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, तो ट्रांजेक्शन है बस, दैट्स इट। जिसमें आप उधार किसी को दे रहे हो लिख लो, जिसको आप डोनेशन दे रहे हो किसी को लिख लो, कभी किसी को सैलरी दे रहे हो लिख रहे हो, कभी गवर्नमेंट को टैक्स पे करो लिख लो, यानी कि बिजनेस में डील हुई, बिजनेस का ट्रांजेक्शन हुआ, बिजनेस में एक्टिविटी हुई, तो आपको उसको रिकॉर्ड करना होगा, यस और नो, दिस इज व्हाट वी से द ट्रांजेक्शन। दोस्तों ये था ट्रांजेक्शन, इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, है ना, थोड़ी देर में बात बताता हूं, पहले इवेंट सीख लेते हैं, उसके बाद दोनों को रिकॉर्ड कैसे करते हैं उसका सिस्टम को समझ लेंगे, फिर सिस्टम के बाद में आपको फाइनली कुछ तो भी सिखाऊंगा अच्छे से, रिकॉर्डिंग एक्चुअली होती क्या है, पहले हम सीखेंगे ट्रांजेक्शन एंड इवेंट क्या होते हैं, इसके बाद हम सीखेंगे सिस्टम, अकाउंटिंग का जो सिस्टम हमको फॉलो करना है
वो सिस्टम क्या बोलता है, उसके कन्वेंशन कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल्स क्या बोलते हैं, कैसे बनेंगे हमारे अकाउंट, क्यों बनेंगे हमारे अकाउंट, ये सब सीखेंगे। पहले हम लोग इवेंट समझते हैं, व्यापार में रिकॉर्ड होने वाली चीजों को समझते हैं, पहले कैसे रिकॉर्ड होते थोड़ा बाद में समझते हैं। ओके, अब देखो दोस्तों तुम्हारे सामने है इवेंट, क्या लिखा मैंने यहाँ पे इवेंट। अब जरा इवेंट को इंटरप्रेट करते हैं, इवेंट का मतलब क्या होता है, तो मैं अपनी भाषा में समझाता हूँ, हैपनिंग्स, इसको हम लोग हैपनिंग्स बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्तों हैपनिंग्स का मतलब, ये तो आप करते हो, ये तो आपकी विलिंगनेस है, ये तो आपकी विलिंगनेस है। इवेंट को हम लोग करते हैं तो ये क्या है, इवेंट हैपनिंग्स है, इवेंट हैपनिंग्स है, लेकिन ट्रांजेक्शन ये आपकी तो विलिंगनेस है, ये तो आपकी इंटेंशन है कि किसी को आपको देना है, ये आपकी इंटेंशन, किसी से लेना है ये आपकी इंटेंशन। इसका मतलब आप इंटेंशनली जो चीजें बिजनेस से कर रहे हो या बिजनेस से जो आना जाना हो रहा है, यानी कि डीलिंग्स को शॉर्टकट में बोलूंगा, वो है ट्रांजेक्शन। इवेंट इज नॉट अ डीलिंग, इवेंट इज नॉट एंड नेवर अ डीलिंग। ओके, तो फिर इवेंट क्या है, है ना, इवेंट क्या है, इवेंट फ्रेंड्स, इवेंट दोस्तों हैपनिंग्स को बोलते हैं। अच्छा मुझे बताओ ना हैपनिंग्स का मतलब क्या होता है, कुछ घटना हो गई, कुछ इवेंट हो गया, कुछ तो भी हो गया, बस समझ में आ गया ना, जो चीज हो जाती है वो इवेंट है, चाहे वो फायदा हो या फिर नुकसान हो। एग्जाम्पल तो जल्दी समझेगा, गॉट इट, एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं कि मेरे गोडाउन में स्टॉक रखा हुआ है, अचानक आग लग गई है, 50,000 रुपए का माल उस गोडाउन में जल गया, तो बताइए मैंने ये इंटेंशनली किया, खरीदना बेचना है? नो, ये तो हैपनिंग्स है, हो गया, इवेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, इवेंट। तो क्या मैं बिजनेस में इसकी अभी अकाउंटिंग ना करूं, करना पड़ेगा, क्योंकि जब वो माल मैंने खरीद के लाया था तो मैंने उसको एंट्री करी थी या हुआ था, अब वो गया है तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। दैट मीन टू से कि जब कुछ व्यापार में होता है वो मॉनेटरी टर्म में होता है, यानी कि लॉस हो या बेनिफिट हो, वो आपको रिकॉर्ड करना है, जो हो गया वो आपने नहीं किया, हो गया, दैट इज। चलो ठीक है, दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं, आपको अच्छे से पता होगा, इमेजिन करते कि आप मशीन पे वर्क कर रहे हो और अचानक मशीन के अंदर में उसका मतलब फ्यूज उड़ जाए या मशीन खराब हो जाए, तो दोस्तों मशीन खराब हो जाएंगी तो अब क्या हुआ, मशीन तो गई काम से, मान लेते एक पल के लिए गई काम से, यानी काम से गए ना कि काम से गए, रिपेयर नहीं हो सकती, तो वो मशीन अगर 1.5-2 लाख की होगी तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका लॉस हो गया, ट्रांजेक्शन हुआ क्या, लॉस हो गया, इवेंट है, क्या है वो, इवेंट। चलो एक और दूसरा एग्जाम्पल, बहुत एग्जाम्पल्स है, डोंट वरी, बहुत एग्जाम्पल्स हम लोग आराम से सीखते हैं, कॉन्सेप्ट को इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि बस मतलब परमानेंट हो जाए, परमानेंट हो जाए, व्हाट इट्स अप। चलो अब हम आते हैं, मैंने जैसे कि बताया आपको एक और एग्जाम्पल, आप लोगों ने सुना होगा कि हम कस्टमर्स को उधारी माल बेचते हैं, पूरे वर्ल्ड के या दुनिया के व्यापारियों को पूछो कि वो लोग जब उधारी में डील करते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि जितना माल बेचा था उतने पैसे रिकवर नहीं हो पाते। जैसे कि 10 लाख का माल बेचा था तो 10 लाख में से बहुत बार क्या होता कि कस्टमर 25,000, 10,000, 20,000 रुपए मतलब नहीं देता, बोलता कि सर एडजस्ट कर लो, सर नहीं दे सकते सर, कुछ कुछ कस्टमर छोड़ देते, किसी की डेथ हो जाती, किसी का बिजनेस रुक जाता, अब हमको जो लॉस हो जाता क्योंकि हमारे पैसे तो उनके पास फंसे थे, तो हमको मोस्ट ऑफ द टाइम पूरे पैसे रिकवर नहीं होते, तो हमारा वहां पे नुकसान होता है। उसको हमारे भाषा में, अकाउंट की भाषा में, अकाउंटिंग इज ऑल्सो अ लैंग्वेज, हमारे अकाउंट की भाषा में हम उसको बैड डेट बोलते हैं, बैड डेट, यू नो क्या बोलते हैं बेटा, बैड डेट। चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत बार पहली बार जब ये वर्ड सुनते हैं तो कंफ्यूजन होता है, तो ये है बैड डेट, मतलब डूब गया, बैड। तो दोस्तों ये क्या है फिर, ये है इवेंट, तो इवेंट इसको बोलते हैं, हैपनिंग्स को। बोलेंगे सर आपने तो लॉस के बड़े एग्जाम्पल्स दे दिए, कोई प्रॉफिट वाला एग्जाम्पल बताओ, यू नो तो मतलब वो भी इवेंट है, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता, है ना, कौन कैसे पढ़ाते हैं मुझे उससे मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने काफी लोगों के लेक्चर्स पढ़े हैं, देखे हैं, और मैं अभी भी आज भी यू नो वीडियो देखता हूँ, बहुत सारे टीचर्स जो यूट्यूब पे अपने वीडियोस अपलोड करते हैं, दिखाते हैं, तो मैं कुछ सीखने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है मुझे मेरा नॉलेज कम हो या कुछ जानने की कोशिश करता हूँ कि वो पैटर्न क्या पढ़ाते हैं, लेकिन मैंने कुछ लोगों का भी रिसेंटली देखा, लॉकडाउन ने सबकी पोल खोल दी है कि सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। ठीक है, मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ, तो मैं तो आपको ओपन चैलेंज से एक लाइन बोल देता हूँ, मैंने जितना पढ़ाया वो बुक्स को आप पढ़ लो, मतलब बुक को पढ़ लो, फिर मेरी वाली वीडियो को,
एक बार क्रॉस चेक कर लो, कुछ अगर कम मिला प्लीज एंड प्लीज एंड प्लीज पर्सनली मुझे उसकी फोटो भेज देना बुक की, या गलत मिला तो प्लीज भेज देना, आई विल बी रेडी टू गिव द आंसर ऑफ दैट थिंग. ओके, सो नाउ लेट्स कम विद द पॉइंट, बैड डेब्ट. ओके, तो मैंने बताया था कि बैड डेब्ट नॉट हैपनिंग्स, इवेंट इज नॉट ओनली अ लॉस, इवेंट कभी कभी प्रॉफिट भी होता है. जैसे कि एग्जाम्पल्स इवेंट है ना, इस वजह से हमने बोला इवेंट है, ट्रांजेक्शन नहीं है. इमेजिन करते हैं कि एक्स वाई जेड पर्सन की डेथ हो गई और उसने बाय मतलब लॉ आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी. बोलेंगे हमको क्यों करेगा, फिर तो हमारे नाना दादा भी होते ना प्रॉपर्टी ट्रांसफर करके चले जाते हैं. व्यापार को भी कभी कभी कुछ कुछ लोग डोनेशन देके चले जाते हैं, समझ लो इंडिया में ऐसा बहुत लोग है. बोलेंगे एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल्स ढूंढ लेना गूगल पे मिल जाएगा. ओके, बहुत लोग ऐसा, तो इसको लीगसी बोलते हैं अकाउंट में. क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लीगसी. अब किसी का कुछ हो जाए या कोई अगर वाइफ विल हमको कुछ चीज असेट डोनेट करता है तो इसको मैं इवेंट ही बोलूंगा, क्योंकि ये मेरे को बेनिफिट हुआ बिना कुछ दिए, इसलिए इसको इवेंट बोलते हैं. ओके, श्योर. और एक चीज समझाते हैं, अब आपने सपोज लॉटरी लगाई है, लॉटरी खरीद ली. अब लॉटरी बेटा 10-20 रुपए की 30 रुपए की मिलती होगी. ओके, लेकिन आपने लॉटरी के बारे में सुना ही होगा, 1 करोड़ की लग गई, 50 लाख की लग गई, 10 करोड़ की लग गई. तो सर दोस्तों, ये जो 10-20-50 रुपए के अंदर में अगर आपको 10 लाख 20 लाख 25 लाख की लॉटरी लग रही है तो क्या इसको आप ट्रांजेक्शन बोलोगे? अगर ट्रांजेक्शन होता तो 50 रुपए दे के 1 करोड़ ले लेते, लेकिन ये तो अचानक लग गए ना. दिस इज द मैटर ऑफ मतलब व्हाट हैपनिंग, द मैटर ऑफ हैपनिंग इज लाइक कि आपको लॉटरी लग गई तो आपको विंडफॉल गेन हुआ. कौन सा गेन हुआ? विंडफॉल गेन. जब अचानक से बड़ा फायदा हो जाए तो उसको विंडफॉल गेन बोलते, इसको बोलते इवेंट. चलो एक और अनदर एग्जांपल देता हूं इवेंट के ऊपर में. अगर आपके व्यापार के नाम से आपकी प्रॉपर्टी है, लैंड है, और उसके आसपास से कोई गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट जा रहा है, आपने वो लैंड को 10 लाख में लिए थे, अचानक की गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट वहां पे अनाउंस हो जाने से गवर्नमेंट ने आपको 1.5 करोड़ दे दिए. बोलेंगे क्या बात कर रहे हो सर, जिनका मेट्रो में प्लॉट गया ना उनको पूछना जरा एक बार कितने करोड़ रुपए मिले या कितने रुपए मिले. आई एम डैम श्योर जितनी उनकी वैल्यू नहीं ना उसका कहीं गुना मिल गया पैसा उनको. ओके, तो 10 लाख की प्रॉपर्टी का अगर 1.5 करोड़ गवर्नमेंट दे रही है तो मेरे को मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है, ट्रांजेक्शन हुआ कि इवेंट हो गया? विंडफॉल गेन, माय वर्ड इज देयर, विंडफॉल गेन, अचानक होने वाले गेन्स. तो ऐसे गेन्स को ही हम इनडायरेक्टली क्या बोलते हैं, इवेंट. क्या बोलते हैं इसको? इवेंट. ऐसे ढेर एग्जाम्पल बन सकते इवेंट के. ओके, दैट इज वॉट आई मतलब वी डोंट वॉन्ट टू कंटिन्यू विद द इवेंट मोर एंड मोर एग्जाम्पल. थोड़ा क्वेश्चन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं यहीं पे, नहीं तो बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे. हाँ, अगर आपको चाहिए आपको एग्जाम्पल्स तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं और आपको 4-5 एग्जाम्पल्स दे दूंगा आराम से. डोंट वरी अबाउट इट, कमेंट बॉक्स से इस्तेमाल कर लीजिएगा. ओके, इस्तेमाल करना जरूर करना चाहिए. चलो लेट्स कम टू द इवेंट्स देन. तो ये हुआ ट्रांजेक्शन, ये हुआ इवेंट्स. यानी ये हैपनिंग्स होती है ना, ये किस चीज को लेके हो सकती है? तो लॉसेस को लेके और गेन्स को लेके. इस तरीके से हमको इवेंट हमारे बिजनेस में देखने को मिलेगा, यस और नो? तो दोस्तों अब क्या है ना कि हमको यही बिजनेस में होने वाली जो हरकतें हैं इनको हमें रिकॉर्ड करना है. क्या करना है इनको? रिकॉर्ड करना है. तो इनको रिकॉर्ड कैसे करेंगे, है ना? उसके लिए बनता है हमारा अकाउंटिंग सिस्टम. सिस्टम से रिकॉर्ड करते हैं, कभी भी कैसे भी रिकॉर्ड करना है. तो आपको अगर अपनी मतलब जनरल अकाउंटिंग सीखना है ना अपनी इंडिया वाली, तो अपने मोहल्ले के किसी भी बाजू के किराना शॉप में चले जाइए, तो आपको अकाउंटिंग का सत्यानाश देखने को जरूर मिलेगा. बोले कैसे? क्योंकि वो लोग एक रजिस्टर उठा लेते हैं, उस डायरी के अंदर में आपका नाम लिख देंगे उधारी लेके जा रहे हो, और जैसे उधारी पे करोगे तो डायरी में ऐसे क्रॉस मार देते हैं. डिसिप्लिन है? नो. तो फिर सिस्टम बोले तो क्या होता है? डिसिप्लिन होता है ना. एक प्रोसीजर होता है, एक प्रैक्टिस होता है, एक डिस्क्लोजर का पैटर्न होता है, एक स्टैंडर्ड होता है. तो उसी को हम सीखेंगे अभी, यानी अकाउंटिंग सिस्टम सीखेंगे. और हम सिस्टम ही सीखने वाले, क्योंकि हम पढ़े लिखे बच्चे हैं, हम लोग पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग हैं. तो हम लोग वो किराना शॉप जैसे चलेंगे क्या, जहां पे अकाउंट्स की धज्जियां उड़ जाती है? नो. छोटे बिजनेसमैन में नहीं, हम सिस्टमैटिक अकाउंटिंग सीखने वाले हैं. तो उसके लिए मैं अभी आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिस्टम सिखाने वाला हूं. और सिस्टम है डबल एंट्री और सिंगल एंट्री, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था आपके साथ. तो लेकिन इस बार हम सिर्फ डबल एंट्री के ऊपर फोकस करेंगे. ओके, तो दोस्तों मेरे नेक्स्ट वीडियो में बने रहिएगा.
नेक्स्ट वीडियो के लिए जरूर आइएगा और वहां पे मैं आपको सिंगल सॉरी डबल एंट्री सिस्टम पूरा सिखा दूंगा कॉन्सेप्चुअली कैसे होता है. सो थैंक यू हियर फ्रॉम राजेश सर एंड जस्ट वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो.